बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मीर अब्दुल रशीद आशारी। आप सभी को मैं अपने इस YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पिछली वीडियो मौत क्या है को बहुत पसंद किया। इसी तरह अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा। आज 26 फरवरी, क्या आप जानते हैं 26 फरवरी को ऐसा क्या है, इसका दिन क्या, इतना खास दिन क्यों है? तो आइए बताता हूँ कि 26 फरवरी को उम्मत मुस्लिमा के लीडर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान की आज यौम पैदाइश है। किसी के दिन के मुनासिबत से हमने आपके लिए खास वीडियो बनाई है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। रजब तैयब अर्दोगान 26 फरवरी 1954 को पैदा हुए। जब उनकी उम्र 12 साल हुई तो उनके वालिदैन मुस्तकिल तौर पर इस्तांबुल में आबाद हुए। रजब तैयब अर्दोगान कहते हैं कि अपने लड़कपन में उन्हें सिर्फ 2.5 लेरा के हिसाब से जेब खर्च मिलता था। रजब तैयब अर्दोगान 2.5 लेरे से पोस्ट कार्ड खरीद कर उसे मुनाफे पर बेचता था और हासिल होने वाली रकम से अपना कर्ज चलाता था। रजब तैयब अर्दोगान मजीद कहते हैं कि हमारे घर में बाज़ औक़ात सालन तैयार नहीं होता था और हम खरबूजे से नान रोटी खाते थे। जब बचपन में मदरसे में पढ़ने जाता तो हमारे इलाके के कई लोग मुझसे कहा करते थे कि बेटा, क्यों अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो, कि तुम्हें बड़े होकर मुर्दे नहलाने हैं, जाओ किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले लो और अपना मुस्तकबिल बनाओ। 1973 में अपनी मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद तुर्की की मारूफ मरमरा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में मास्टर्स किया। रजब तैयब अर्दोगान को फुटबॉल का जुनून की हद तक शौक था और अपने शहर के अच्छे खिलाड़ी थे। वो तुर्की की कौमी टीम में खेलना चाहते थे मगर इनके वालिद के इनकार पर रजब तैयब अर्दोगान ने फुटबॉल को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। इब्तदाई अयाम में वो गली मोहल्ले की सियासत में फहाल रहे। 1976 में वो यूथ पार्टी के सरबराह बने। 1978 में अरब नसर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अमीना से शादी की। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे अहमद और बिलाल, इसरा और सनिया हैं। 1984 में वेलफेयर पार्टी के ज़िले सदर बने। 1985 में वेलफेयर पार्टी इस्तांबुल डिवीज़न का सदर और पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रुकन बने। इस्लामी नज़रियात के हामिल रहनुमा होने की वजह से इनको और इनके साथियों को कैदोबंद की सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ी। 1994 में इस्तांबुल में बलदियाती इलेक्शन हुए और इस्लाम पसंदों को अक्सरियत मिली और रजब तैयब अर्दोगान इस्तांबुल के मेयर बने। इस वक्त इस्तांबुल मसाइल से घिरा हुआ था, जराइम का शिकार था, पानी की किल्लत, आलूदगी और दूसरे मसाइल का शिकार था। रजब तैयब अर्दोगान ने सिर्फ 2 सालों में इस्तांबुल को जराइम से पाक कर दिया, तामीरियाती मंसूबे शुरू किए, करप्शन को ख़त्म किया, $2 बिलियन का कर्जा भी वापस किया। याद रहे उस वक्त मरकजी हुकूमत सेकुलर जमात की थी और तुर्की एक सेकुलर मुल्क है। इस्लाम पसंद शख्स की कामयाबी से उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और रजब तैयब अर्दोगान की कामयाबी से वो बहुत परेशान थे। 1998 में एक तारीख साल जलसा हुआ जिसमें रजब तैयब अर्दोगान मेहमान खुसूसी थे। उस जलसे में रजब तैयब अर्दोगान ने एक नज़म पढ़ी। मस्जिदें हमारी छावनियाँ हैं, गुम्बद हमारे हौद हैं, मीनारें हमारी संगतें हैं और मोमिन हमारे सिपाही हैं। इस नज़म को पढ़ने पर रजब तैयब अर्दोगान को महलशिप से हटा दिया गया और 4 महीने तक कैद किया गया और उनकी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। रजब तैयब अर्दोगान ने 2001 में जस्टिस एंड डेवलपमेंट नाम से एक सियासी जमात की बुनियाद रखी। 2002 के इलेक्शन हुए तो रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी ने सबको हैरत में डाल दिया। रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी ने तारीख साफ फतह हासिल की।
2002 में रजब तैयब अर्दोगान ने बतौर वजीर आजम तुर्की अपने अहदे का अलफ उठाया। रजब तैयब अर्दोगान के वजीर आजम बनते ही तुर्की तरक्की के सफर पर गामजन हुआ। मजहब पर आयद पाबंदी का कानून मुअत्तल किया और जिसमें खवातीन पर हिजाब पहनने पर पाबंदी भी शामिल थी। तीसरी दुनिया का मुल्क कहलाने वाला तुर्की रजब तैयब अर्दोगान की क्यादत में तुर्की का शुमार दुनिया के 20 मजबूत महीशत वाले ममालिक में होने लगा। 2007 में दोबारा इलेक्शन हुए तो एक बार फिर तुर्की के अवाम ने रजब तैयब अर्दोगान को कामयाब कराया और उनकी पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और वो फिर से वज़ीर आज़म बने। 2011 के इलेक्शन में भी रजब तैयब अर्दोगान ने तीसरी बार जीत कर वज़ीर आज़म बने। इसके कुछ ही अर्से बाद रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के सदर बने। 7 जून 2015 में तुर्की में इलेक्शन हुए। रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी ने बढ़तरी हासिल की और रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के बाख्तियार सदर बने। 15 जुलाई 2016 की रात को फौज के ग्रुप ने बगावत की और रजब तैयब अर्दोगान ने वीडियो कॉल के जरिए अवाम से अपील की। अवाम ने अपने कायद की आवाज़ पर लबैक कहते हुए टैंकों के नीचे लेट के और फौज के साथ मज़ाहमत की और इस माशाल्लाह को नाकाम बना दिया। इस वाक़े में 161 अफराद जाँबाँक और 1000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए और इसके बाद से वो दुनिया में मजबूत हुक्मरान के तौर पर जानने लगे। ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की इस ऐवान में 600 मेंबरान हैं। 291 का ताल्लुक रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी से है। इत्तेहादी मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद 50 के करीब है। अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी 149 नशस्तों के साथ अपोजिशन कर रही है। हर वक्त कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं, मुस्लिम उम्मा के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर ज़ुल्म होता है उसके लिए हर वक्त आवाज़ बुलंद करने से नहीं घबराते। हाल ही में अज़रबैजान की भी मुकम्मल मदद की। मगरबी सकाफत और उनकी मीडिया की यलगार को रोकने के लिए रजब तैयब अर्दोगान ने अर्तुगरुल गाज़ी जैसे ड्रामे बनाने का हुक्म दिया और इस ड्रामे ने पूरी दुनिया को अपने शहर में मुब्तला कर दिया है। ये थे मुस्लिम उम्मा के लीडर रजब तैयब अर्दोगान।